रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी लंच स्पेशल रेसिपी। बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है, पर बनने में ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होती है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है इसको। तो चलिए, आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, आइए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए हमने एक पैन में ऑयल डाल दिया है, तकरीबन ये 4 खाने के चम्मच ऑयल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, लहसुन को हमने इस तरह से काट लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। लहसुन डालने के साथ ही 3 अदर हम गोल वाली मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे कड़ी पत्ता। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें कलौंजी। लहसुन हमारा ब्राउन हो जाए जब तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए, लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। यहाँ पे 4 अदद मैंने बड़े आलू ले लिए थे, उनको इस तरह से पीसेस में काट लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आलूओं को हमने तेल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक हम तेल में आलू को फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 2 मिनट तक हमने आलूओं को हाई फ्लेम पर फ्राई होने दिया है। अब यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, टमाटर का छिलका उतार कर उनको बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें ज़्यादा कोई मसाले शामिल नहीं होते, बहुत ही कम मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पे मैं 1 प्याली इसमें पानी डाल रही हूँ। बस एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करने करके 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। बस 10 मिनट में हमारे मज़ेदार से आलू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जनाब, ये देखिए 10 मिनट तक हमने इसको पकाया है, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ बनकर अब तैयार है। बस अब ये बिल्कुल तैयार है, अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये रही हमारी आलू की कतलियों की फाइनल लुक। मज़ेदार सी ये रेसिपी झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। आप लोग इसे लंच में ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ा आता है इसको दोपहर के खाने में खाकर। रात में आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।